Hello everyone, in this video we will study about interaction in the environment. So let's start. So plants and animals are interdependent in their food relationship. देखो plants and animals एक दूसरे के ऊपर depend करते हैं for the food. There are animals that feed on plants. Animal plants को feed करते हैं ना, maybe directly or indirectly. Many of such animals are eaten by other animals which in turn are eaten by some other animals. तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, producer plants. प्लांट्स को कौन खा रहा है? हर्बीवोर्स खा रहा है. हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएगा, कार्निवोर्स को ओमनीवोर्स खाएगा. ओमनीवोर्स अगर डेड हो जाएंगे तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे, है ना, डिकम्पोजर खाएंगे, एंड डिकम्पोजर उसको मिनरल में कन्वर्ट कर देंगे, है ना. तो ये एक ना चेन सिस्टम है, इसको ही हम फूड चेन बोलेंगे. ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, ग्रास को कौन खा रहा है? डियर खा रहा है. डियर को लायन खा रहा है ना. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन. तो ये एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जाम्पल है. टेरेस्ट्रियल क्यों? बिकॉज ये फूड चेन लैंड में हो रहा है, जमीन में हो रहा है, इसीलिए हम उसको टेरेस्ट्रियल फूड चेन बोलते हैं. ठीक है, व्हेन सच अ चेन एग्जिस्ट बिटवीन एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल इट मेक्स अप एन एक्वेटिक फूड चेन. तो देखो अगर फूड चेन पानी में हुआ तो इसको हम एक्वेटिक फूड चेन बोलेंगे. एक्वा मीन्स वाटर, है ना. नेक्स्ट एक्टिविटी 5, यहाँ पर क्या करना है हमको, फूड चेन बनाना है. तो फर्स्ट वाला मैं बता दे रही हूँ, बाकी सब आप लोग कर देना. सो फर्स्ट ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर को रैट खाएगा, रैट को स्नैक खाएगा, स्नैक को आउल खाएगा, है ना. बाकी सब भी इजी है, कर लेना. नेक्स्ट मिनरल साइकिल. देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो देखो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, है ना. अगर एबायोटिक कंपोनेंट नहीं होंगे तो बायोटिक भी इम्पॉसिबल, है ना, लाइफ इज ऑल्सो इम्पॉसिबल. एबायोटिक सब्सटेंस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर. तो देखो एबायोटिक सब्सटेंस, सॉइल इज एबायोटिक, है ना. सॉइल प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं, है ना. वाटर एंड मिनरल्स सप्लाई करते हैं. सो प्लांट्स का ग्रोथ होगा एंड वो अपना खाना बनाएंगे, है ना. प्लांट्स को कौन खा रहा है? कंज्यूमर खा रहा है ना. जब प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का डेथ हो जाएगा तो उनको कौन खाएगा? डिकम्पोजर, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो उनको ब्रेक डाउन करेंगे एंड मिनरल्स में कन्वर्ट कर देंगे एंड वही मिनरल्स अगेन रिटर्न टू सॉयल, एयर, वाटर. जहाँ से मिनरल्स आया था वहीं पर अगेन चला गया, है ना. द न्यूट्रिएंट्स आर अगेन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर. अगेन वो सिस्टम फिर से चलेगा, ठीक है. द होल साइकिल इज थस रिपीटेड कंटिन्यूसली. सो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसका एंडिंग नहीं है, ठीक है. दिस साइकिलिंग ऑफ मटेरियल थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इट इज कॉल्ड मिनरल साइकिल. सो इसी को ही हम मिनरल साइकिल बोलते हैं. ओके, सो देखो यहाँ पर दिया गया है साइकिल. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को कौन खा रहा है? डिकम्पोजर खा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, उसको मिनरल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. वो अगेन सॉइल में मिल जा रहा है. सॉइल से ग्रीन प्लांट्स मिनरल्स लेते हैं, है ना. वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं. फिर ग्रीन प्लांट्स को एनिमल्स खा रहे हैं. एनिमल का वेस्ट को कौन खाएगा? डिकम्पोजर खाएंगे, है ना. फिर अगेन वो साइकिल चलता रहेगा. सो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसका एंडिंग नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड बैक इन टू द एटमोसफियर, है ना. देखो जब हम एटमोसफियर से कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. प्लांट्स कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, है ना, एंड ऑक्सीजन छोड़ेंगे. सो इसी तरह एटमोसफियर में ये मेंटेन रहता है, ये गैस मेंटेन रहता है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो गेट एडेड टू द एटमोसफियर व्हेन बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड पेट्रोल टेक प्लेस. ओके, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वे में भी एटमोसफियर में ऐड होगा. जैसे कि अगर हम कुछ चीज़ों को जलाएंगे, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, ठीक है, इसको जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा, ठीक है. दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर. द प्लांट यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, है ना, और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे. थस अ बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर. सो इसी तरह ही हमारे एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है, अमाउंट मेंटेन रहता है. ओके, सो नेक्स्ट देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करेंगे एंड
फोटोसिंथेसिस होगा, देन वो ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे तो हम उसको रेस्पायर करेंगे, है ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, है ना। और एक प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, कैसे, अगर हम बर्न करेंगे कुछ चीज़ों को, बर्न करेंगे जैसे कि वुड, पेट्रोलियम, कोल, है ना, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा। सो विथ हस रिलीज दैट रियलाइज दैट इन आवर एनवायरमेंट इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट कीप ऑन इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर। तो इससे क्या पता चला कि नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, है ना। दिस मेक आवर एनवायरमेंट अ डायनेमिक सिस्टम। सो इसी तरह ही हमारा एनवायरमेंट फंक्शन करता है। सो दिस इज कंप्लीट। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।